आज का जो टॉपिक है मटेरियल वर्सेस स्पिरिचुअल, और यही टॉपिक के ऊपर आज अपना डेली रिफ्लेक्शन का पार्ट भी आ गया। तो मैं अपनी जर्नी, मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसे मटेरियल थिंग्स ने मेरी जिंदगी में वो स्थान बना लिया, और कैसे मैं अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपना जीवन जिया हूँ, मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा इतिहास शेयर करता हूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री शेयर करता हूँ। मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, थाना में। मैं, मेरा पिताजी, मेरा भाई, माँ और दो बहन, ऐसा परिवार था हमारा। और जब से मैंने आंखें खोली हैं, तब से मैंने ये देखा कि मेरा बड़ा भाई अल्कोहलिक हो चुका था, और वो और मेरे पिताजी की बहुत मारामारी होती थी, जिसके कारण मैं डर के माँ के साथ में सो जाता था, बैठ जाता था, और हमेशा डर का वातावरण घर में बना हुआ था। मेरे को बचपन से ही शराब के प्रति जबरदस्त नफरत थी, क्योंकि मेरा भाई जब भी दारू नहीं पीता था तो बहुत अच्छा होता था, मुझे साइकिल पे बिठा के घुमाने ले जाता था, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम दिलाता था, लेकिन जब भी वो पी लेता था तो वो एकदम राक्षस बन जाता था। वो हमारी वर्कशॉप से सामान चोरी करके बेच के पीता था, और बहुत सारे झगड़े होते थे जिसकी वजह से पिए हुए भाई से मैं नफरत करता था और मैं शराब से नफरत करता था। इसकी वजह से मेरे मन में शुरू से ही शराब के प्रति नफरत थी। जब भी मैं भाई के बॉटल्स वगैरह इधर रखे मिलती थी तो मैं वो तोड़ देता था, फेंक देता था, उसको शीशे में का पलका उठा के माँ को दे देता था, और कोशिश करता था कि भाई नहीं पिए। इसके साथ साथ मुझे एक बात का बड़ा अनुभव होता था कि जब भी मैं बाहर कहीं निकलता था, वो 8-9 साल की उम्र में, तो लोग जो सरदार जी हमारे कम्युनिटी के हमको मुझे देखते थे तो मेरे को हमेशा यही पूछते थे, अरे लकी तेरा भाई कैसा है अभी? और मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरे को ऐसा लगता था कि हम एकदम से, हमारे को नीचा देखा जा रहा है, एकदम लोली देखा जा रहा है, और ये सारे की वजह ये शराब है। शुरुआत में मेरे मन में शराब के प्रति बहुत नफरत थी और मैं पीने वालों को और शराब को बहुत हेट करता था। इसी शराब पीने की वजह से हमारे घर की परिस्थिति बहुत खराब हो गई और मुझे 9th स्टैंडर्ड में स्कूल छोड़ना पड़ा। हमारे घर में एक प्रॉब्लम हुआ था, मुझे याद है, और मेरे पिताजी ने मुझे बोल दिया, लकी तू अभी स्कूल नहीं जाएगा, तू आज के बाद वर्कशॉप में काम करेगा। अल्कोहलिज्म एज ए फैमिली डिजीज मैंने देखा हुआ है। हमारा फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, हमारा फैमिली को समाज में कोई स्थान नहीं था, हमको बहुत कम लोग शादी ब्याह पे बुलाते थे, और नॉर्मली वी वेर कंसिडर्ड एज अ डिफिकल्ट फैमिली, एज अ लोली फैमिली, और इस बात का मुझे बहुत जानकारी होती थी। आई न्यू दिस इज हैपनिंग ऑल अलोंग विथ मी, और मैं इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता था। जब भी जब भी मैं इसके बारे में सोचता था, मुझे ये रियलाइज होता था कि यार हम लोग बहुत गरीब है, इसकी वजह से सब लोग हमको ऐसा दिखता है। हमारे पास घर नहीं है, हम लोग वर्कशॉप में ही रहता है, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। मेरे को ये महसूस हो चुका था कि अगर समाज में वापस इस्टेब्लिश होना है तो जल्दी से ढेर सारा पैसा, और ढेर सारा पैसा कमाया तो मैं घर ले सकेगा, मैं गाड़ी ले सकेगा, और फिर मेरा इज्जत बन जाएगा, हमारा फैमिली का इज्जत बनेगा, और कोई हमको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सो मैं 13 साल की उम्र से काम करने लग गया। इस दौरान मेरा बड़ा भाई एक्सपायर हो गया। एल्कोहलिज्म के जो दो एंड होते हैं, इंसैनिटी एंड डेथ, ही डाइड एट द एज ऑफ 28। और उसके मरने के बाद घर की थोड़ी परिस्थिति नॉर्मल होने लग गई, मैं भी काम करने लग गया, और मैं अपने आप को काम में पूरी तरह से डाल दिया था। कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात घर कर गई थी कि मेरे को जल्दी से जल्दी ढेर सारा पैसा कमाना है, ढेर सारी चीजें जमा करनी है, और वापस से समाज में इज्जत स्थापित करनी है। मेरे पास कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि एक अल्कोहलिक फैमिली में
ज्यादा कोई किसी बच्चे को भेजता नहीं है, और मैं वर्कशॉप में ही खेलता था, वर्कशॉप में ही बड़ा हुआ और वर्कशॉप में ही काम करने लग गया। इसकी वजह से मेरे को एक ट्रिमेंडस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो गया था। मैं किसी से बात करने को डरता था, मैं बहुत शर्मीला था, मैं काम करने में होशियार था लेकिन मैं बाकी चीजें नहीं कर सकता था। इसके साथ साथ जब मैं मेरी उम्र के बच्चों को साइकिल पे स्कूल और कॉलेज में जाता हुआ देखता था और मैं काले कपड़े डाले हुए वर्कशॉप में काम करता था, तो मेरे को ऐसा महसूस होता था कि मेरा किस्मत बहुत खराब है और मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। इस चीज की जानकारी होने के बाद में मैं और डिप्रेशन में चला जाता था और हमेशा अपने आप में ही रहता था। इसी दौरान एक 13-14 साल की उम्र में मेरी जिंदगी में शराब आई। आई वॉज ट्रिमेंडसली क्यूरियस कि पिक्चर्स में देखता था, हमारे सोशल पार्टीज में मैं देखता था कि लोग दारू पीने के बाद में बहुत खुश रहते हैं, डांस करते हैं, और मेरे को भी ये जानना था कि ये शराब में है क्या। लेकिन मेरे मन में बहुत फियर था, बहुत डर था, क्योंकि जब भी मैं शराब की बात सोचता था तो मुझे मेरे भाई की याद आ जाती थी कि वो पीने के बाद में सब गड़बड़ हो जाता है। एनीवेज, एक दिन मैंने एक बियर मंगवाई। प्योरली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं और मेरे से भी एक कम उम्र का दोस्त, आई माइट बी 13-14 एंड ही वाज 12, और हमने वो बियर मंगाने के बाद आधा बियर पिया। आधा बियर पीने के बाद में आई वाज वेटिंग कि अभी मेरे को चक्कर आएगा, उल्टी आएगा, मैं गाली बकेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक 5 मिनट के बाद में मुझे एकदम काम डाउन लगा, मेरा एंग्जाइटी खत्म हो गया और मेरे को एकदम लाइटनेस का फीलिंग आया। ये शराब की पहली मुलाकात ने मुझे ये एक्सपीरियंस दे दिया और मेरे को ये समझ में आया कि शराब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे भाई में शायद प्रॉब्लम हो सकता है। उस दिन मेरा शराब के प्रति डर, शराब के प्रति नफरत पूरी तरह से चला गया, और उसके बाद, वो उम्र के बाद, मैं ऐसे मौके देखने लगा जहां पे छुप छुप के मैं शराब पी सकता था। मेरा बेसिक ध्येय जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना था, मेरे को फैक्ट्रीज बनानी थी, मेरे को हमारा कम्युनिटी में बहुत इज्जत कमानी थी। और इस मैं देखता था कि नॉर्मली मैं फियरफुल रहता था, लेकिन पीने के बाद में मेरा पर्सनालिटी में एक जबरदस्त चेंज आ जाता था, एकदम ट्रिमेंडस चेंज आ जाता था। मैं पहले जो फियरफुल था, अभी थोड़ा सा बिंदास हो जाता था, अभी करेजियस हो जाता था। पहले मैं बात नहीं कर सकता था, अभी मैं गाना गा सकता था, जोक्स बोल सकता था। पहले मेरे को आदमियों का डर लगता था, अभी आदमियों के बीच में जाकर के मैं आदमियों को कंट्रोल कर सकता था, उनको मैनिपुलेट कर सकता था, मेरे वर्कर्स को गुस्सा कर सकता था, उनसे ज्यादा काम करवा सकता था। और मन ही मन मैंने ये समझ लिया था कि अगर मेरे को सक्सेसफुल होना है तो मेरे को डरा हुआ लकी कभी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होगा, मेरे को कोई ना कोई ताकत चाहिए। मेरे पास घर में कोई भी नहीं था और शराब पीने के बाद में मैं अपने आप को ताकतवर महसूस करता था। इसके लिए मैंने शराब से और दोस्ती करने की कोशिश की, और शराब पीने के कारण जो लोग मुझे मिलते थे, एक नया सोसाइटी मिलने लगा, एक नया कंपनी मिलने लगा, और उनके साथ में बातचीत करते मेरे को वापस से एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आने लगा, और मैं ये देखने लगा कि जो मैं नहीं कर सकता हूँ वो पिया हुआ लक्की आसानी से कर सकता है। तो अगर मेरे को जिंदगी में सक्सेसफुल होना है और ढेर सारा पैसा कमाना है तो मेरे को शराब से दोस्ती करनी पड़ेगी, और शराब को यूज करते हुए उससे जो मिलने वाला करेज है उसके बलबूते के ऊपर अपने आप को अच्छा से इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। मुझे पीते पीते ये समझ गया कि अगर मेरे को पैसा कमाने का है तो पैसा और मटेरियल थिंग्स के लिए बहुत सारा गलत काम करना पड़ता है, जैसे झूठ बोलने का, ब्राइब्स देने का, लोगों को फंसाने का, और ये तरीके से ही पैसा आ सकता है। क्योंकि जब जब मैं पीने के टाइम पे लोगों की बातें सुनता था तो मैं उनकी बातों से ये जान लेता था कि नॉर्मली मेहनत करके करके सिंपली कभी पैसा नहीं कमाया जा सकता, ज्यादा पैसा मांगता है, जल्दी पैसा मांगता है, तो उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। और मैं पीने के बाद अपने आप को करता हुआ देखता था, और मैंने ये सारा जो नया सीखा हुआ था पीने के वक्त अपने पीने के दोस्तों से, मैं अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने को चालू किया। मैं मैनिपुलेटिव हो गया,
मैं एकदम बिंदास झूठ बोलने लग गया, बिगर पिए हुए भी मैं झूठ बोलने लग गया, मैं ब्राइबिंग करने को शुरू किया, मैं ब्राइबिंग कर करके काम लेके आने को शुरू किया, मैं जो आसपास के लोग कॉम्पिटिटर्स थे मैं उनका बदनामी करने को शुरू किया, मैंने वो सारा काम करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से मैं हमेशा लाइमलाइट में रहूं। और इसके साथ साथ मुझे इनिशियली सक्सेस भी मिलना चालू हो गया, मेरा काम बढ़ने लग गया, मेरे को काम ज्यादा आने लग गया, मैं मार्केट से उधारी लेने लग गया, कभी कभी पैसा देने का कभी नहीं देने का। और ये सारा जो सक्सेस मेरे को मिला वो सक्सेस से मैंने क्या किया होगा, तो सबसे पहले मैंने 16 बरस की उम्र में मैंने मोटरसाइकिल खरीदा, फिर मैंने गाड़ी खरीदा, और मैं अच्छे कपड़े लेके अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करने लग गया कि मेरे को अभी सब कुछ समझ में आ गया। इसके साथ साथ मेरी शराब भी बढ़ती जा रही थी, और बढ़ती हुई शराब के ऊपर जब फैमिली बोलती थी, मेरी माँ बोलती थी, तो मैं उसको चुप कराता था, मैं उसको बोलता था देखो मैं काम करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, तुम्हारा सब जरूरतों को देखता हूँ, आप मेरे शराब पीने को इग्नोर करो। मैंने ये अनुभव किया कि समाज भी जिसके पास पैसा है, जिसके पास भौतिक वस्तु है, मटेरियल थिंग्स है, उसका इज्जत करता है। क्योंकि अभी लोग मेरे पास जैसा जैसा पैसा आने लग गया, और पैसा नहीं भी होता था तो मैं दिखावा करना सीख गया, मैं फॉल्स प्राइड, मैं शो ऑफ करना सीख गया था, और मेरा पर्सनालिटी में जो शराब से चेंज आता था तो मैं एकदम फर्स्ट क्लास शो ऑफ कर लेता था। अभी मैंने देखा कि समाज का मेरे को और मेरे परिवार को देखने का भी नजरिया बदली होता गया, और मुझे ये विश्वास और गहरा होता गया कि अगर मैंने वापस से इस्टेब्लिश होना है तो मटेरियल थिंग्स आर दी ओनली थिंग्स विच मायने रखती है, दूसरा कोई भी चीज मायने नहीं रखता है। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे, कितना भी इमोरल काम करना पड़ेगा करेंगे, नथिंग मैटर्स एंड ऑफ द डे। तुम्हारे खीसे में अगर दो पैसा है, तुम्हारे पास इज्जत है, तो दुनिया झुकती है, नहीं तो दुनिया तुम्हारे को देखती भी नहीं। कई बार घर में प्रॉब्लम्स होते थे, माँ बोलती थी तो मैं माँ को और थोड़े पैसा लाके दे देता था, मैं बोलता था माँ देख ये पैसा कमाने के लिए ये सब पीना पड़ता है, अगर ऐसा नहीं करेगा तो पैसा कमाया नहीं जाता है, तेरे को लगता है क्या दुनिया में ऐसा लोगों के पास पैसा ऐसे ही आता है, सब लोग चीटिंग करता है, चोरी करता है, और मैं तो कुछ भी नहीं करता है, तो मेरा दारू पीने को एक्सेप्ट करो। इसके साथ साथ मैं पूरी तरह से मटीरियलिस्टिक हो गया था, इमोशनली कोई ज्यादा मेरी ग्रोथ नहीं हुई, मैं वैसे के वैसा डरा हुआ ही रहा, और पीने के बाद में हिम्मत मिलती थी, मैं अपने काम करता था, और वो मैं अपने सक्सेस को हमेशा पैसे से ही तोलता था। मेरे को शुरुआती में जो सक्सेस मिले उसके अंदर मैंने एक फैक्ट्री बनाई, अपने बहन की शादी की, और लगभग एक 20 बरस की उम्र तक मैं वापस से एक मिडिल क्लास में अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हो गया था, और ये सब हुआ था शराब के कारण। तो मेरा शराब के ऊपर ट्रिमेंडस श्रद्धा निर्माण हो गया था, जिसकी वजह से शराब मेरे जिंदगी के हर डायमेंशंस में आ गई, और शराब और मटेरियल थिंग्स ये दो ही चीजों के बल के ऊपर मैं अपनी जिंदगी चला रहा था। जैसा जैसा सक्सेस मिलता गया वैसा वैसा और बढ़ता गया, लेकिन अल्कोहलिज्म में नुकसान भी होते हैं, शारीरिक, आर्थिक, फिनेंशियल ऑल नुकसान होते हैं। और धीरे धीरे करके 20 साल की उम्र के बाद से लेके 28 बरस की उम्र तक मैं थोड़ा 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 करके पूरी तरह साफ हो गया था, लेकिन अभी मेरे पास मटेरियल थिंग्स नहीं थे, लेकिन ग्रैंडियोसिटी थी, मैं शो ऑफ करना नहीं छोड़ा, बहुत एरोगेंटली बिहेव करता था, और मेरा सब कुछ चला गया है। ये जब भी डिप्रेशन होता था मुझे रियलाइज होता था कि दारू बढ़ गई है, अब मैं दारू कम नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी कोशिश करूँ हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, बीवी छोड़ के जाने को तैयार है, माँ रो रो के पागल होती जा रही है, दोस्त मेरे को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन मेरे को ऐसा ही लगता था कि ये सब टेम्पररी है, एक बार पैसा वापस से आ जाएगा ना फिर सब कुछ पहले के जैसा हो जाएगा, और पैसा कमाने के लिए दारू पीनी पड़ती थी। तो मैं एक ऐसे विशियस साइकिल में फंस गया था कि जिसमें एक्चुअली मेरा सब कुछ चला गया था, मेरा मन मानने को तैयार नहीं था कि अभी मैं खाली हो गया हूँ, मेरा मन यही बोलता था कि रिकवरी का मतलब है वापस से पैसा आना, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और पैसा कमाने के लिए फिर से दारू पीना, दारू की वजह से पैसा गया,
और पैसा कमाऊंगा तो मुझे इज्जत मिलेगी। ये चक्कर में मैं 20 से लेके 28 बरस की उम्र तक ट्रिमेंडस मार खाया और पूरी तरह से बैंक्रप्ट हो गया। 28 बरस की उम्र में मैं एकदम डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि लास्ट 3 साल में मेरे बहुत हॉस्पिटलाइजेशन हुए, मेरी फिजिकल हेल्थ एकदम डिटोरिएट होने लगी। और 28 बरस की उम्र में मैं भाटिया जनरल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मेरी माँ एडमिट करके गई और वहां मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला। तभी तक मैं पूरी तरह से अल्कोहलिक बन गया था। मैं सुबह दोपहर शाम पीता था, मैं कोशिश करता था कि मैं पैसा कमाऊं, चीजें लाऊं, लेकिन शराब में ही इतना वक्त जाता था कि मेरे पास कोई भी एनर्जी नहीं रहती थी। मेरे पास पैसा नहीं आता था, मैं पूरी तरह से चिड़चिड़ा हो गया था। अब जो पहले मैं घर में पैसा देता था, मैं घर से छीनने लग गया था, हर एक के साथ फाइट करने लग गया था। और लास्ट लास्ट की स्टेज में तो मेरे को ऐसा जब ही रियलाइज हो गया कि मैं जिंदगी में हार गया, अभी मेरे से कुछ नहीं होगा, अभी शायद लोग ही कंस्पायर कर रहे हैं मेरा डाउनफॉल, मेरे अपने लोग ही मेरा भला नहीं चाहते हैं। तो लिटरली सबसे दुश्मनी, सुसाइडल टेंडेंसीज, डिप्रेशन और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में मुझे जब ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का संदेश मिला, मैसेज मिला, तो ये कुछ अलग ही था। मेरा पहला मीटिंग में, मेरे को आज भी याद नहीं है किसी ने क्या बोला, लेकिन मीटिंग में बैठने के बाद में, मैं जब ये मीटिंग खत्म होने के बाद में खड़ा हुआ तो मेरे अंदर से एक आवाज आई, लकी इधर नहीं तो किधर नहीं, अभी चीट मत करना। मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बर्डन उठ गया है और मैं थोड़ा हल्का महसूस किया। पहले 3 महीने मेरी ये मीटिंग में इतने अच्छे गुजरे, लोगों ने इतना प्यार दिया, सडनली इट वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टूगेदर। तो मैं अपनी पूरी जिंदगी जैसे भूल गया और मैं इस फ्लो में इतना घुस गया कि 3-4 महीने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि साला अपुन तो 4 महीने से दारू ही नहीं पिया, ये कैसा हो गया। और आई वॉज वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल, क्यों, क्योंकि मुझे लास्ट के स्टेजेस में ऐसा लगता था कि मैं मर ही जाएगा, मुझे बहुत बीमारियां लग चुकी थी और मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो गया था, किडनी स्टोन्स, एक्सीडेंट्स, मेरे को हमेशा ऐसा लगता था मैं मरेगा। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मैं जिंदा भी रह गया, मेरे को लोग प्यार भी करने वाले मिल गए और ये सारे वातावरण ने पूरी तरह से मन को बदली कर दिया और मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम पे चलने की बड़ी प्रेरणा मिली, बड़ा प्यार मिला और मैं कोशिश करके एक एक दिन के हिसाब से अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में घुस गया। शुरुआत में इनिशियली मैंने स्पॉन्सर भी लिया, उससे प्रोग्राम की भी बात की और प्रोग्राम की बात करने के बाद में एक बार फोर्थ स्टेप लिखा, कुछ छोटी मोटी माफियां भी मांगी और ये सारा लगभग एक 8-9 महीने के प्रोग्रेस, मेरे शुरुआत के दिनों में मैं लगभग एक आइडियल ए मेंबर के जैसा हो गया। अभी मैं फिजिकली ठीक हो गया था, मेरा घर के अंदर भी थोड़ा रिलेशन ठीक हो गया था और मेरा सोबराइटी थोड़ी टिक गई थी और ऐसे में मुझे बाहर देखने लगा। शुरुआत में तो मैंने बाहर देखा ही नहीं ना, लेकिन अभी मैं लोगों को देखता था, उनके पास गाड़ी था, उनके पास घर था, उनकी समाज में इज्जत थी और साला मेरे पास कुछ नहीं, एक अल्कोहलिक बोल के समाज ने भी ब्रांड कर दिया था मेरे को। और मेरे को मन ही मन लगता था कि यार मेरे को अगर वापस इस्टेब्लिश होना है तो बहुत सारा पैसा लगेगा, ये मैं किसी से शेयर नहीं करता था। मैं रियलाइज होने के बाद चुप करके बैठता था क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लोग कोई और बात करते थे और ये लोग गॉड्स विल वगैरह ये सब बोलते थे और मेरे को मालूम था, मेरा बचपन का अनुभव था कि दुनिया पैसे को ही सलाम करती है, दुनिया मटेरियल थिंग्स को ही सलाम करती है और अगर मेरे पास वो सब नहीं आया तो ये रिकवरी का कोई मतलब नहीं है, दारू से दूर रहने में कोई मतलब नहीं है, मन ही मन सोचता था। और धीरे धीरे मैंने मन की तैयारी कर ली। अभी होता क्या था कि मैं ये मीटिंग में बैठ के भी मैं अपने काम धंधे की प्लानिंग करता था, पुराने कॉन्टेक्ट निकाल रहा था, मैं देखता था इसने पैसा कैसा कमाया रे, चल देखेंगे, अभी दारू नहीं पीने का, अभी समझ गया अपन अल्कोहलिक है, अपने से लिमिट और कंट्रोल में पिया जाएगा नहीं, लेकिन अपने को तो ढेर सारा पैसा कमाना ही है क्योंकि इतना सारा कुछ गवाया है मैंने, अगर वो वापस कमाऊंगा नहीं तो मेरा समाज मेरे को रिस्पेक्ट नहीं देगा,
मेरे को मजा नहीं आएगा जिंदगी जीने का, ऐसा गरीबी में जिंदगी जीने में कोई मतलब नहीं है। और ये विचार धीरे धीरे करके मेरे दिमाग में और प्रबल होने लग गए और मेरा मीटिंग्स में धीरे धीरे करके ध्यान कम होने लग गया। बात करने को मैं यही मेंबर था, लेकिन मैं मन ही मन पूरी तरह से स्कीम बना चुका था और मुझे ये महसूस हो गया था अंदर से ही कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का गॉड रिकवरी देगा, लेकिन गॉड थोड़ी पैसा देने वाला है। पैसा कमाने के लिए तो जुगाड़ करना पड़ेगा, और वो जुगाड़ करने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये पूरी तैयारी करके मैंने अपने आप को अपने बिजनेस में वापस से झोंक दिया। इससे हुआ क्या कि मैं एक डबल रोल में आ गया जिंदगी में, मेरी पर्सनालिटी डबल हो गई। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अलग बात करता था, लेकिन मेरा थॉट्स अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रिंसिपल से मैच नहीं करता था, क्योंकि मेरा सारा विश्वास मेरा पहले का जिंदगी में जाता था कि पहले भी तो मैंने इतना पैसा कमाया, मैं अल्कोहलिक हो गया बोल के मैंने उड़ा दिया ना, पैसा कमाने का वही तरीका है। मेरा विश्वास अल्कोहलिक्स एनोनिमस पे खाली एक ही चीज पे रह गया था कि दारू बंद करने के लिए ए में आने का, बाकी तो अपने को मालूम है पैसा कैसा कमाने का। और मैं अपने उस पुराने एक्सपीरियंस से, पुराने तौर तरीकों से, मैंने 1 साल की रिकवरी के बाद से पूरी तरह से अपने आप के ऊपर डिपेंड करना शुरू किया। मैंने एक लोन लिया, एक मैंने प्रॉपर्टी बेचा, मैंने देखा कि कौन आदमी किसका फैक्ट्री अच्छा है, तो वो फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनाता था मैंने भी वो प्रोडक्ट बनाने का फैक्ट्री डाला, और पूरा ऐसा ऑलमोस्ट 24 घंटे के जैसा मैं उसके पीछे लग गया। लगभग सेकेंड ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक मैं वापस से घर में चिड़चिड़ा हो गया था, मैं वापस से घर में कंट्रीब्यूशन नाम से करता था, और मेरा पूरा का पूरा, मैं घर में भी यही बोलता था, अरे पैसा बचाओ, तुम लोग खर्चा बहुत करता है, तुम्हारा खर्चा कम करो, तुम ये काम करो वो काम करो। मेरी मेरी बहुत बेचैनी थी, आई वॉज सो रेस्टलेस, और मुझे जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना था। अब मुझे दूसरे कोई तरीके तो पता नहीं थे, इसके लिए मेरे काम में ही मैंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके अनाप शनाप में एक बड़ा कंपनी खोल दिया, और लगभग 3 साल मैंने उसके पीछे मेहनत किया। मैंने वापस शॉर्टकट मारते मारते कैसा करके तो कंपनी खड़ा किया, लेकिन मेरे पास कंपनी चलाने का और वो स्केल का काम करने का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे करके फेल होना शुरू हो गया। और जैसे जैसे मैं फेल होता गया, वैसे वैसे मैं चिड़चिड़ा होता गया, और मेरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस पे भी विश्वास जैसे खत्म हो गया। मेरे को मेरा हायर पावर से जो पहले साल में रिलेशनशिप था, मेरे पास जो फेथ था, मेरे पास जो ट्रस्ट विश्वास था, अब धीरे धीरे करके कम हो गया था, और मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा ये नुकसान क्यों हो रहा है। और मेरा नुकसान बचाने के लिए मैंने हर तरीके की कोशिश की। मैं समझता हूं कि मैंने पूरी तरह से 3 साल वो काम को चलाने में लगाए, लेकिन मैं धीरे धीरे करते करते इतना अनसक्सेसफुल होता गया कि लास्ट में आके फोर्थ ईयर का सोबराइटी में मेरे को वो कंपनी बेचना पड़ गया। मैं वापस से अभी बैंकरप्ट जैसा हो गया, और ऊपर से मेरे पे कर्जा हो गया। अब ये होने के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि मैंने सुसाइड कर लेना चाहिए। 5 साल पहले जैसा मैं भाटिया जनरल हॉस्पिटल में एडमिट था, वैसा ही मेरी मन की अवस्था हो गई, और मैं बोलने लगा कि साला सोबराइटी में कोई मतलब ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है, सोबर रह के कोई मतलब नहीं है, और भगवान भी मेरे साथ नहीं देता है, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कोई गलत काम थोड़ी किया, मैं फेल क्यों हो रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। जो भी ए के मेंबर्स मेरे को बताना चाहते थे कि लकी पहले स्पिरिचुअल फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, मटेरियल थिंग्स आएंगी, और मैं बोलता था मटेरियल थिंग्स कभी आएंगी यार, ऐसा थोड़ी सारी जिंदगी निकल जाएगी, आधा जिंदगी पीते पीते निकाल दिया, और अभी अगर मैं काम नहीं करूं तो पैसा नहीं कमाऊं तो क्या मेरे को गॉड आके ऊपर से 1 लाख रुपया देने वाला है? नहीं, मेरे को तो ये चाहिए ही चाहिए। मन ही मन मैं उसके पीछे पटकता रहा, लेकिन लास्ट में जो होना था हुआ, 4 साल के बाद वापस बैंकरप्ट हुआ, वापस मेरे को सुसाइड के थॉट आने लग गए। ए मीटिंग्स में आता था, और आने के बाद में मेरा एकदम नेगेटिव शेयरिंग शुरू हो गया था, ये मेरे मन की अवस्था हो गई थी। वैसे डिप्रेशन में वापस मैंने ए मेंबर्स के सामने सरेंडर किया,
आई री सरेंडर्ड अगेंस्ट माई सेल्फ विल। मेरे को समझ चुका था तभी तक कि मेरे को दोस्त भी, मेरा मेरा दूसरा स्पॉन्सर आ गया था जिंदगी में, और उसने मेरे को बोला, लकी सेल्फ विल रन रायट। देख अपनी जिंदगी में मटेरियल थिंग्स का स्थान है, लेकिन उसके पहले अपने अंदर एक प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज होना चाहिए। खाली दारू बंद करने से वो चेंज ऑटोमेटिक नहीं होता है। तेरा फेथ जो पहले का था, वो फेथ अल्कोहल और मटेरियल थिंग्स पे था, अभी वो सारा का सारा फेथ हायर पावर पे जाना पड़ेगा, और हमारे को अपने अंदर सबसे पहले काम करना पड़ेगा। अगर हम अपने अंदर काम नहीं करेंगे तो ये बार बार होता रहेगा, और बार बार तू ऐसी स्टेज में जाता जाएगा जिसको हम लोग ड्राई ड्रंक बोलते हैं, कि एक है प्रोग्राम पे कोशिश करके है, दारू नहीं पीता है, लेकिन बाकी जिंदगी में सब वही कुछ चालू है जो पहले जैसा चालू था। ऐसा जिंदगी जिया नहीं जा सकता है। देर हैज टू बी अ प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग द प्रोग्राम ऑनेस्टली विदाउट सेल्फ डिसीट। मैंने फिर से प्रोग्राम की वर्किंग शुरू की, और ये टाइम पे मैं शायद अपने आप से ऑनेस्ट था। मैंने फिर से फोर स्टेप लिया, थोड़ा सर्चिंग एंड फियरलेस हुआ। पहले जो ऊपर ऊपर के दोष मिले थे, अभी गहराई में जाने के बाद में मुझे पता चला, और मैं धीरे धीरे करके बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के साथ रिलेट करता गया। इसके साथ साथ मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने बोला, जिंदगी में बैलेंस चाहिए। तू पागल के जैसा पैसे के पीछे भाग रहा है, तूने अपने आप को इग्नोर कर दिया, तूने अल्कोहलिक्स अनोनिमस को इग्नोर कर दिया, तूने फैमिली को इग्नोर कर दिया, तूने सोसाइटी को इनको इग्नोर कर दिया, तू अकेला ही अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था, तो ऐसे में तू थकेगा और हारेगा। सरेंडर कर ये सब चीजों को, और अभी बैलेंस में काम करेंगे वन डे एट ए टाइम। विश्वास रख, अगर तेरे अंदर तू उच्च शक्ति को काम करने को देता है और ये प्रोग्राम के अफेयर्स प्रैक्टिस करने की शुरू करता है, तो जो तेरी किस्मत में है आएगा। बट हैव द करेज टू चेंज द थिंग्स यू कैन। और ये सारी बदलने वाली चीजें तेरे अंदर है, सो अंदर जा, अपने आप के ऊपर काम कर और बैलेंस में काम कर। मुझे जब मैं सुनने लगा तो मुझे ये सुनाई दिया, बिल ने लिखा है कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस शुड कम फर्स्ट एंड मटेरियल प्रोग्रेस टू फॉलो। मैं इसका रिवर्स चलता था हमेशा, और जब भी मुझे आज रियलाइज हुआ तो मैंने स्पॉन्सर के साथ क्लोजली काम करना शुरू किया। बहुत सी चीजें मन को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैंने फेथ रखना शुरू किया। मैंने इन्वेंट्री ऑफ ब्लेसिंग्स बनाया, इन्वेंट्री ऑफ ब्लेसिंग लिखा। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सर्विस में आ गया, मैं आईजीआर बना। उसके बाद में मैंने इंटरग्रुप में काम करना शुरू किया। मेरे काम धंधे में से मुझे जो भी मिलता था उसके लिए मैंने ग्रेटफुल होना सीखा। वो बहुत कम था, मुझे बहुत ज्यादा चाहिए था। तो मेरा स्पॉन्सर हमेशा बोलता था, लकी ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, बिकॉज द ओल्ड सेल्फ हैज टू डाई। ओल्ड सेल्फ इज टू मटीरियलिस्टिक एंड इट विल ऑलवेज बिलीव दैट सेटिस्फाइंग द बेसिक इंस्टिंक्ट्स इज द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ। जितना तेरे को सक्सेस मिलेगा तू और जाएगा और जाएगा, और ये रेस कभी खत्म नहीं होनी है। हमारा प्रोग्राम सरेंडर का है, हमारा प्रोग्राम फेथ पेशेंस टॉलरेंस लव का है, और ये सब भावनाएं हमारे लिए अजनबी है। दीस आर न्यू फाउंड इमोशंस, न्यू फाउंड वर्च्यूज, न्यू फाउंड वैल्यूज। तो तेरे को तेरा पूरा वैल्यू सिस्टम बदली करना पड़ेगा, और इसके लिए तेरे को तेरे पे काम करना पड़ेगा। हैव पेशेंस वन डे एट ए टाइम। और मैं वो हिसाब से मैंने काम करना शुरू किया, मैंने अपना घर में टाइम देना शुरू किया, मैंने अपने बिजनेस में ऑनेस्टली जितना भी हो सके जो भी हो सके उतना काम किया, मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सर्विसेज में काम करना चालू किया, ज्यादा वक्त देने लग गया। और इस प्रकार से मैं समझ सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि आफ्टर दी फोर्थ ईयर मेरा एक स्पिरिचुअल जर्नी का शुरू हुआ था, आफ्टर अ बिग डिफीट फ्रॉम माई सेल्फ विल। धीरे धीरे मेरी श्रद्धा बढ़ गई, मेरा विश्वास बढ़ गया, और मैं देखने लगा कि पेशेंस रखने से और इन जो न्यू मेरे को वैल्यूज मिली थी, इनका बार बार जिंदगी में इस्तेमाल करने से कोई नुकसान नहीं हो रहा था मेरा। हाँ, मेरी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे को अभी ये समझ गया था कि मेरे पास ऐसी इच्छाएं हैं जो गैर वाजबी है। मेरा एक्सपेक्टेशंस आर अनरीजनेबल फ्रॉम माई सेल्फ, फ्रॉम मदर्स, फ्रॉम एवरीबडी। कंटेंटमेंट नहीं है, आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी डिसकंटेंटेड पर्सनैलिटी।
एंड देर हैज टू बी कंटेनमेंट, देर हैज टू बी पीस, एंड दिस ऑल विल कम इफ आई एम इन सर्विस टू माई सेल्फ एंड टू अदर्स. अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सर्विसेज में मेरे को कॉमन वेलफेयर का प्रिंसिपल मिला और धीरे धीरे करके मेरी जर्नी आगे चलती गई. मैं अपने बिजनेस में, जैसा भी बिजनेस है अभी, उसके अंदर मन लगा के काम करते को शुरू कर दिया, थोड़ा डिसिप्लिन आ गया. पहले जो अनमैनेजेबिलिटी थी, घाई गड़बड़ थी, अभी थोड़ा सा फेथ आ गया था मेरे अंदर, और फेथ के कारण मैं थोड़ा सा रिलैक्स वे में काम करना शुरू किया था. जितना जमता है उतना करने को कोशिश किया. मैं खुद को भी ज्यादा अनरीजनेबली ट्रबल करने की बात नहीं करता था. अभी मेरे को पता था कि मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस को टाइम देना है, मेरे घर को टाइम देना है, और मेरे ऊपर टाइम देना है. ऐसे में मेरे को मेरे स्पॉन्सर से बात करते करते मैं बोल गया, यार मेरा लॉन्ग टर्म एम्बिशन था कि मैं पढ़ाई कर नहीं पाया, मैं साला 10th भी नहीं किया. मेरे को पढ़ लिख के इंजीनियर बनना था, बट अल्कोहलिज्म ने और बाद में सब चीजों ने मिलके मेरे को वो करने ही नहीं दिया. तो मैंने उसको पूछा, इज एजुकेटिंग वन सेल्फ इज एन मटेरियल गेन और व्हाट? तो उसने बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है लकी, तू अपना स्किल सेट बढ़ा रहा है, नाउ यू आर डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज, गो अहेड, तू जाके पढ़ाई कर, डोंट वरी. अपना स्किल्स हमको बढ़ाना ही है. हु सेज वी आर डिफिटेड? वी आर नॉट अ ग्लम लॉट. हम हमेशा से कोशिश करेंगे कि एक अच्छा ह्यूमन बींग कैसे बनना है, एक अच्छा फादर कैसे बनना है, एक अच्छा बिजनेसमैन कैसे बनना है, एक अच्छा ए मेंबर कैसे बनना है. और ये बनने के लिए जो कुछ भी मॉरली करेक्ट है वो सब हमने करना चाहिए. बिल लिखता है, इन ऑल दीज ड्राइविंग सो मेनी ऑफ देम वेल इंटेंशन, आवर क्रिपलिंग हैंडीकैप वॉज अवर लैक ऑफ ह्यूमिलिटी. वी लैक द परस्पेक्टिव टू सी दैट कैरेक्टर बिल्डिंग एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज हैड टू कम फर्स्ट, एंड दैट मटीरियल सेटिस्फेक्शन वर सिंपली बाई प्रोडक्ट्स एंड नॉट द चीफ एम्स ऑफ लाइफ. अब क्या हुआ था, मेरे अंदर धीरे धीरे करके वो कन्वर्जन आने लग गया. आई डोंट नो हाउ, बट मेरा अभी विश्वास मेरे फाउंडेशन बनाने पे और इन स्पिरिचुअल वैल्यूज को फर्स्ट देने में हो गया. और मुझे ह्यूमिलिटी, मुझे नम्रता डेवलप करनी पड़ी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज. ये करते करते अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सर्विसेज में मेरे को बहुत सारे एक्सपीरियंस आने लग गए. उसमें का मैं एक एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूंगा. मैं पीआई चेयरमैन था इंटर ग्रुप का, और हम लोग एक नया एरिया में पीआई कर रहे थे, कुछ पोस्टर्स लगा रहे थे, और पोस्टर लगाते लगाते एक छोटा बच्चे ने आके मेरा शर्ट को ऐसा खींचा. तो मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने मेरे को आंखों से इशारा किया, मेरे साथ चलो. तो मैं उसके पीछे पीछे चला गया. वो मेरे को एक घर की तरफ लेके गया, दरवाजा खुला था और अंदर अपने जैसा एक अल्कोहलिक ऐसा फुल टाइट होके सोया था. अब मेरे साथ में एक हमारा कृष्णकांत करके मेंबर था, अभी वो तो क्या हुआ था, तो हमने उसका खीसे में एक मीटिंग का कार्ड डाल दिया. और श्रीकांत मेरे साथ में जो कृष्णकांत था, उसने बोला मैं आएगा कल, इसको मैसेज देगा. अगले दिन उसको मैसेज दिया, एक हफ्ते के बाद वहां पे मीटिंग चालू किया. वो मीटिंग में वो फैमिली आई और धीरे धीरे करके उसने 1 साल पूरा किया. जब भी उसका बर्थडे था तो मैं वो टाइम पे चेयरमैन था, मैं मीटिंग चला रहा था और मैंने वापस उस बच्चे को देखा. और बर्थडे सॉन्ग के टाइम पे जब सब लोग खड़े हुए तो वो बच्चा मेरी तरफ आंखों में आंखें डाल के देख रहा था. और पता नहीं उसकी आंखों ने मेरे को क्या बोला, मेरे को अंदर से इतना अच्छा महसूस हुआ कि ये गॉड्स विल है. मेरे को सच बताऊं श्रीनिवास, मेरे को जिंदगी में पहला करोड़ रुपया कमाया उतनी खुशी और शांति नहीं मिली जितनी शांति का एहसास मुझे वो 5-10 सेकंड में आया. और मेरे को अंदर से आवाज आई, लकी, यूजफुलनेस एंड पर्पसफुलनेस लाइफ, मटेरियल थिंग्स आर बाई प्रोडक्ट. ये सच है. मेरे जैसे बैंकरप्ट आइडियलिस्ट के लिए जो सोल का नरिशमेंट मांगता है, वो टू सर्विस ऑफ एल्कोहलिक्स एनोनिमस और सर्विस और मैनकाइंड से ही आएगा. दिस इज वाई आई एम अलाइव. बाय दिस टाइम आई हैड रियलाइज्ड, फॉर अस एल्कोहलिक्स देर इज नॉट अ राइट वे, फॉर अस एल्कोहलिक्स इट इज द ओनली वे. आई हैव टू प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स एंड आई हैव टू नरिश माई सोल. आई हैव टू
डेवलप द फेथ ऑन दी स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड आई हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन माई सेल्फ डेली। मैं रोज का इन्वेंट्री लेना शुरू किया, प्रेयर एंड मेडिटेशन शुरू किया, और इसके साथ साथ मैं करेस्पॉन्डेंस कोर्स भी कर रहा था। मैंने एक जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और वो एडमिशन लेने के टाइम पे वो लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया, तो आई वॉज नॉट इवन अ ग्रेजुएट, मैं तो 10th भी नहीं था, लेकिन मैंने उनको लिखा कि मेरे को इतना इतना साल का एक्सपीरियंस है। तो दे एक्सेप्टेड मी एज अ स्टूडेंट, बट दे सेड कि हम तुमको डिग्री नहीं देगा। तभी तक मेरे को ये पता चल चुका था कि डिग्री से ज्यादा इम्पोर्टेंट लर्निंग है मेरे लिए, मैं अगर सीखेगा तो मेरे काम में आएगा। तो मैंने वो कोर्स एक्सेप्ट किया और वो कोर्स मैंने ज्वाइन किया। उसके साथ साथ मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सर्विसेज भी करता गया, और मैं कॉन्फ्रेंस का डेलीगेट भी बन गया। और जितना मैं ज्यादा अल्कोहलिक्स एनोनिमस को काम करते गया, अपने काम में करता गया, अपनी पढ़ाई करता गया और घर पे ध्यान देता गया, इसमें मेरा वक्त बहुत अच्छे से बीतता गया। मेरे पास पैसे नहीं आए, मेरे पास वो शानो शौकत नहीं आई, लेकिन मेरे को पता नहीं कैसे मेरे को अभी उसकी जरूरत भी महसूस नहीं हो रही थी। मैं शायद अपनी सिचुएशन को ऊपर वाले की मर्जी से बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट कर चुका था, और मुझे रियलाइज हो रहा था कि गॉड्स विल, सेल्फ विल तो मुझे खड्डे में डाल देगी, गॉड्स विल शायद ये छोटे छोटे साधारण से नॉर्मल से काम करने में ही है। मैं समझ चुका था अभी कि मैं मुझे यूज नहीं करना है ये का प्रोग्राम, अपना स्किल्स, मुझे प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करते टाइम मुझे एक यूजफुल और पर्पसफुल लाइफ जीनी है, एंड द पर्पस ऑफ लाइफ कैन नॉट बी मटेरियल थिंग्स। वो मेरा जिंदगी का अनुभव आ गया था। मैं पढ़ते पढ़ते मैं यूनिवर्सिटी में मैंने कोर्स पूरा किया, आई वॉज द फर्स्ट एशियन टू डू दैट कोर्स। मेरे को डिग्री नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मेरे को एक टाइटल दिया, एंड मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने उल्टा खर्चा करके वो कोर्स किया, बट आई वॉज सो हैप्पी कि मेरे पास एक स्किल मिला है यार, एटलीस्ट आई एम नाउ एबल टू अंडरस्टैंड वॉट आई एम डूइंग, आई हैव अ सर्टन बिट ऑफ थियोरिकल नॉलेज। और ये मेरे को मिला था अल्कोहलिक्स एनोनिमस से, जहां पे अभी मैं एक कम्स ऑफ एज, जहां पे ट्रेडिशंस, जहां ग्रुप में बैठ के, जहां पे मैं धीरे धीरे समझने लग गया था कि गॉड्स विल इज कॉमन वेलफेयर, गॉड्स विल इज नेवर एन इंडिविजुअल वेलफेयर और कॉमन लॉस। ये बेसिस पे काम करते करते वो डिग्री लेके आने के बाद में मेरा जिंदगी में, मेरा बिजनेस में भी बदलाव आने लग गया। एंड नाउ आई वॉज मोर हम्बल, मोर पेशेंट, मोर ओपन। आई डिड नॉट वॉन्टेड टू ट्राई माई ओल्ड हैबिट्स। मैं आई वॉज नाउ यू कैन से आई वॉज फुल ऑफ फेथ के इफ आई डू माई वर्क बेटर आई विल गेट वॉट एवर रिजल्ट गॉड वॉन्ट्स मी टू गेट। नाउ आई हैड बिकम प्रोसेस ओरिएंटेड, नाउ आई हैड बिकम एक्टिविटी ओरिएंटेड रेदर देन रिजल्ट ओरिएंटेड। पहले हमेशा से रिजल्ट ही ध्यान में रहता था, ए में भी काम किया, 12 स्टेपिंग किया, तो रिजल्ट ऐसा लगता था कि ये आदमी जब 1 साल पूरा करेगा तो मेरा नाम बोलेगा, अरे लकी ने 12 स्टेपिंग किया था। धीरे धीरे करके मेरे पास से वो रिजल्ट ओरिएंटेशन होना बंद हो गया था, शायद फेथ डेवलप हो गई थी, और अभी मैं प्रोसेस ओरिएंटेड हो गया था, अभी मैं प्रैक्टिस ओरिएंटेड हो गया था, और ये मेरी जिंदगी का नॉर्म बन गया था। अब धीरे धीरे करके सक्सेस आने लग गया था, अभी मेरे को थोड़े बड़े काम मिलने लग गए, मैं स्टेडियम्स और एयरपोर्ट्स पे काम करने लग गया, इसके साथ साथ मैं ट्रस्टी भी बन गया और बोर्ड में भी सर्विस करने लग गया, मेरे फैमिली में भी सुधार होना शुरू हो गया। और अब की बार जब मेरे पास थोड़ा सा पैसा आया, मैंने चुपचाप पहले घर लिया, मैंने कोई नया फैक्ट्री डालने का प्लान नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता था फैक्ट्री डालेगा तो मेरा पर्सनल वेलफेयर है, मेरा ईगो बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं घर लेगा तो हम सब लोगों को उसमें अच्छा लगेगा। तो इतना ह्यूमिलिटी आ गया था कि सैक्रिफाइस पर्सनल एम्बिशन में करने को तैयार था, और मैं अपने घर लिया, मैंने काम करना शुरू किया, मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कंटिन्यूअसली सर्विसेज देता गया, ये भूल के कि अभी इसका आउटकम क्या होगा। नहीं, मेरा स्पॉन्सर हमेशा बोलता था कि रिजल्ट के पीछे भाग भाग के पागल हो जाए, जिंदगी एक कुत्ते की तरह हो जाएगी जो हर मोटरसाइकिल के पीछे भागता है, और उस कुत्ते को पूछे कि
क्या कि मोटरसाइकिल को, स्कूटर को, रिक्शा को तूने पकड़ लिया तो इसका क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, वो फिर वापस आएगा और दूसरा रिक्शा के पीछे भागेगा। दिस हैज टू एंड। और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये आध्यात्मिक तत्वों के आधार पे जैसे जैसे मैं जीता गया वैसे वैसे कन्वर्जन होता गया, और ये कन्वर्जन रोज टिकाने के लिए मैं एक ही प्रोग्राम का अपने सभी क्षेत्रों में इस्तेमाल करने लगा। आई थिंक देर वॉज अ चेंज इन पर्सनैलिटी, देर वॉज चेंज इन द वैल्यू सिस्टम एंड द बिलीफ। जैसे जैसे मैं एक ही सेवा करता गया, मैंने अपना पूरा 5 साल का टर्म एज अ ट्रस्टी बोल के सेवाएं दी। लास्ट के साल में मैं चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बोल के रोटेट हुआ हूँ। और तब मैं सोचता हूँ कि एक नॉन मेट्रिक आदमी को, एक अल्कोहलिक को जो उसका घर नहीं संभाल सकता है, अपनी जिंदगी नहीं संभाल सकता है, इफेक्टिवली अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कारोबार संभालने को लगाने वाली, बोर्ड में कंट्रीब्यूट करने जैसी कैपेसिटी लाने वाली चीज क्या थी? तो आई रियलाइज इट वॉज द हायर पावर, द फेथ इन द प्रोग्राम ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस एंड द ह्यूमिलिटी टू लर्न। मैं अपने स्पॉन्सर के साथ में बैठ के 12 कॉन्सेप्ट्स ऑफ ए सर्विस पूरी तरह से पढ़ के, टाइम डाल के उसको समझने की कोशिश किया और उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करने की कोशिश किया। मुझे आज उस बात की बहुत खुशी आती है कि बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस में कंट्रीब्यूट कर पाया, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि अपना प्रॉमिसेस में जो लिखा है, गॉड डज व्हाट यू कैन नॉट डू फॉर योरसेल्फ एंड ही डिड इट। आज मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूं तो टुडे दिस दिसंबर आई विल बी कंप्लीटिंग 25 ईयर्स। इस दौरान मैं ढंग से एक ही सेवा कर पाया, मैं अपना घर ले पाया, अपना काम धंधा फिर से इस्टेब्लिश हो पाया, और ये टाइम पे दिस वॉज विथ फेथ एंड ट्रस्ट, इट वॉज विथ डेलीगेशन, इट वॉज विथ कॉमन वेलफेयर। ये खाली मेरा नहीं था, ये मेरे लोगों का था। और शायद इसी की वजह से लास्ट ईयर मेरे को टॉप 100 इंडस्ट्रीज के अंदर मेरे को नेशनल अवार्ड मिला। होम मिनिस्टर नितिन गडकरी ने मेरे को नेशनल अवार्ड दिया। आई एम रिस्पेक्टेड इन माई सोसाइटी नाउ, आई एम रिस्पेक्टेड इन माई बिजनेस। इनफैक्ट ये लॉकडाउन में हम बैठे हुए हैं तो अभी मेरा जो बाकी के बिजनेस कलीग्स हैं, जो सो कॉल्ड कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके साथ में मेरे कॉर्डियल रिलेशनशिप है। आई एम नॉट इन फाइट विद एनी वन, आई एम नॉट इन कॉम्पिटिशन विद एनी वन, आई हैव एन ओपन माइंड एंड विलिंगनेस टू लर्न। मेरे को अभी ये समझ गया है कि जो भी इफेक्ट आएगा वो मेरे एफर्ट्स का आएगा। मेरा अगर एफर्ट्स ऑनेस्ट है तो जो भी फ्रूट आएगा दैट आई हैव टू एक्सेप्ट विद एन हम्बल एंड ग्रेटफुल हार्ट, वो मेरे पास रहता है। मेरा एसोसिएशन, मेरा कॉम्पिटिटर्स ने मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला है कि एसोसिएशन बनाने का है तो यू लीड। पता नहीं ये पर्सनालिटी में कैसे चेंज आ गया कि लोग भी समझते हैं कि ये बंदे के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। और लोगों का ट्रस्ट देख के मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, थैंक यू गॉड फॉर ब्रिंगिंग मी टू अल्कोहलिक्स एनोनिमस। टुडे आई ऑनेस्टली बिलीव दैट दीज आर सिंपली बाय प्रोडक्ट्स, सिंपली बाय प्रोडक्ट्स, बिकॉज आई डोंट हैव एनी फियर ऑफ लूजिंग देम। आई एम नॉट इनसिक्योर बिकॉज डीप इनसाइड आई नो दैट गॉड्स विल इज व्हाट विल ऑलवेज हैपन। आई सिंपली हैव टू हैव द ह्यूमिलिटी टू एक्सेप्ट इट एंड वर्क टूवर्ड्स इट। इट इज ऑल गोइंग टू एंड वेल, वॉट एवर इट मे बी, द फेथ इज देयर एंड दैट इज वाई देर आर नो मच इनसिक्योरिटीज अबाउट इट। नॉर्मल इनसिक्योरिटीज आर देयर बट आई डू नो दैट दे आर इमेजिनरी एंड दिस गिव्स मी अ फीलिंग ऑफ यूजफुलनेस एंड पर्पजफुल इन द लाइफ, बींग पर्पजफुल इन द लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस शेयरिंग, थैंक यू ऑल।